बीजेपी की उम्मीदें तेलंगाना से बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होना है दरअसल वहां पर, और इसको लेकर के बीजेपी बहुत सक्रिय होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में तेलंगाना में अगले एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस अभियान का नाम होगा प्रजा गोसा भाजपा भरोसा। इसके तहत सभी वरिष्ठ नेता राज्य की 119 विधानसभा सीटों में रैलियां करेंगे। इस एक महीने के दौरान वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की राज्य भर में 10 बड़ी रैलियां होंगी, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ये सब लोग संबोधित करेंगे। अभियान की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक विशाल समापन रैली को संबोधित करेंगे। एक महीने के इस अभियान के दौरान राज्य में BRS जो पहले TRS थी, उसकी के चंद्रशेखर राव KCR जो है उनकी सरकार पर निशाना साधा जाएगा। राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर KCR सरकार को घेरा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कल मैसूर में इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। मैसूर तो हालांकि कर्नाटक में है, लेकिन तेलंगाना को लेकर के भी यह रणनीति आज बनी। अब सवाल यह है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों है, इतना फोकस? क्या बीजेपी को लगता है कि बंगाल में जो फॉर्मूला है उसी तर्ज पर तेलंगाना में भी एक पैठ गहरी की जा सकती है, और क्या वो कर पाएंगे? इसके लिए बीते कुछ सालों में तेलंगाना में हुए चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखना होगा। आइए कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। दरअसल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में राज्य की 119 सीटों में से 88 सीट यानी कि 73% सीटों पर TRS ने जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई। बाकी सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 19 जीती, 7 AIMIM को चली गई। चंद्रबाबू नायडू की जो TDP थी वो 2 सीटों पर सिमट के रह गई। TDP का कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हुआ। इसके अगले साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से TRS को 9 मिली, जबकि उनके गठबंधन सहयोगी MIM को 1 सीट मिली OAC की। विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस 3 ही सीटें जीत पाई। साफ है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में TRS को 2 सीटों का नुकसान हुआ। यही नहीं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता निजामाबाद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद से 70,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। अब तेलंगाना में बीजेपी के उभार को वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाता, वोट परसेंट, सीट दिखा दी, वोट परसेंट से देखिए। 2018 में और 2019 2018 से 2019 के मुकाबले TRS का वोट शेयर 5% गिर गया। 2018 में 46% पर थे, 2019 में वो 41% पर आ गए। उधर 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर आप मुकाबला करें 2019 से, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 12.5% उठ गया। 7% था 2018 में, 2019 में 19.5% हो गया, यानी कि 12.5% का इजाफा। इन दोनों चुनावों में TRS का सीट प्रतिशत 21% गिरा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में TRS को 73% सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में TRS को राज्य में 52% सीट, जबकि सीट प्रतिशत के हिसाब से एक साल के अंदर बीजेपी को करीब 22% का फायदा हुआ है। मतलब इतना फायदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी। तो तेलंगाना में बीजेपी का हौसला स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से और भी ज्यादा बढ़ गया। 2020 में आपको याद होगा कि GHMC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए, इसमें बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी। आप सोचिए, जेपी नड्डा, अमित शाह सब जो है म्युनिसिपैलिटी का चुनाव में प्रचार कर रहे। इन चुनावों में BRS को जो पहले TRS थी 35.8% वोट मिले, बीजेपी को 35.5 वोट मिले। यानी कि कहां जो पार्टी 7% वोट शेयर पे थी 2018 में,
वो इस चुनाव में 35% पर पहुंच गए। तो इसी से उनकी उम्मीद जग रही है कि हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दरअसल तेलंगाना असदुद्दीन ओवैसी की MIM का गढ़ है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या MIM की मुस्लिम परस राजनीति से होने वाले ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी, यानी कि आपको निशाना BRS पर साधना है, लेकिन ओवैसी के गढ़ में क्योंकि यह बात हो रही है तो ओवैसी उधर कुछ बोलेंगे और इधर BJP उसका प्रचार पूरे तेलंगाना में करेगी और TRS को हराने की कोशिश करेगी। तो कितनी कामयाब होगी BJP ये इस साल पता चलेगा। हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस पर और प्रकाश डालते हुए, 2018 में KCR ने 9 महीने पहले इस्तीफा दे दिया और चुनाव के लिए चले गए थे वो दिसंबर के महीने में। इस बारी भी अगर एडवांस करते हैं KCR इलेक्शंस तो उसके लिए भाजपा तैयार रहना चाहती है। जैसे कि हम जानते हैं भाजपा हमेशा इलेक्शन रेडी रहना चाहती है और इसी वजह से आज जो मीटिंग हुई है अमित शाह जी की और JP नड्डा की भाजपा के तेलंगाना लीडरशिप के साथ, उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है। पहले तो नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही उन्होंने तय कर दिया था कि दक्षिण में उनका पुश रहेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में था उसी तरह से दक्षिण में पुश रहेगा। और उनको लगता है कि कर्नाटक के अलावा अगर किसी राज्य में वो पॉलिटिकली स्ट्रांग बन सकते हैं जल्दी से जल्दी, वो तेलंगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम है। कांग्रेस जो बहुत स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी उसका जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली कम हुआ है और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। हालांकि 2018 के चुनाव में सिर्फ एक विधायक चुन के आए थे भाजपा के, लेकिन उसके बाद बाईपोल्स में उन्होंने 3 सीट अपने कर लिए हैं। और अगर आप देखें असेंबली से लेकर पार्लियामेंट के इलेक्शंस यानी कि 2019 तक 7-8% से लेकर उनका जो वोट शेयर है वो 19% तक हो गया था और उसी पर वो बिल्ड करना चाहते हैं। उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? पहले तो जो बंडी संजय यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके जो पदयात्रा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रेस किया था और कहा था कि दूसरे लीडर्स को भी इसी तरह का प्रजा यात्रा करना चाहिए, पदयात्रा करना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हर जिलों के उनको टास्क दिए गए हैं कि आप लोगों में जाइए और देखिए कि उनका मूड क्या है और उनको बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या हैं और किस वजह से उनको भाजपा को चुनना चाहिए। तीसरी बात, एक तरह से ओपन डोर रखा है भाजपा ने लैटरल एंट्री के लिए, क्योंकि उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है तेलंगाना में वो काफ़ी लो है और उनका जो लीडर स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी लो है और इसी वजह से अगर लैटरल एंट्री होता है तो उनके लिए फ़ायदा रहता है और इसीलिए वो लैटरल एंट्री के लिए ओपन है। अगर आप दो जो बाईपोल हुए हैं हुजूराबाद और दुबाक, दोनों में ही स्ट्रांग लीडर्स उन्होंने लिए जिनकी वजह से भी, जिनके अस्तित्व या उनके जो पर्सनालिटी का जो वेट है उसकी वजह से भी भाजपा को वहां पे विक्ट्रीज मिले थे। KCR की तरफ से अगर आप देखें तो अगर चुनाव कर्नाटक के साथ हो जाते हैं तो KCR के लिए ये एडवांटेज रहेगा कि भाजपा का जो पूरा फोकस है वो तेलंगाना पर ना रह के कर्नाटक के साथ बढ़ जाएगा और जाहिर है कि कर्नाटक पर ज्यादा ध्यान देना होगा भाजपा को, क्योंकि वो वहां पर अपनी जो पावर है उसको रिटेन करना चाहेंगे। दूसरी बात KCR के लिए ये है कि उन्होंने अपना BRS लॉन्च किया है जिसे वो राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल इलेक्शन से पहले उनको काफ़ी समय मिल जाएगा। और उससे भी अहम पॉलिटिकल बात ये होगी कि कांग्रेस के साथ वो खड़ा हो पाएंगे अपोजिशन के स्पेस में अलग बाकी पार्टियों के साथ, क्योंकि तब तक जो कांग्रेस के साथ जो स्टेट में जो राइवलरी है वो नेशनल लेवल पर रहने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो जाएगा। हालांकि ये भी कहना ज़रूरी है कि अब तक KCR ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि यहाँ पर चुनाव जल्दी होने वाले हैं।